Welcome to Dental and Ayurveda, a channel for basic dental sciences and basic Ayurvedic sciences. Our today's chapter is Enamel, which is a chapter of BDS Dental Histology, and the topic we'll be discussing is Physical Properties of Enamel. Before proceeding to the physical properties of enamel, let's see ki enamel hota kya hai. So enamel is the whitish visible portion of crown of our teeth. अगर इस डायग्राम में देखा जाए सो दिस इज द इनेमल ऑफ आर टीथ. मतलब जब भी हम किसी की ओरल कैविटी में देखते हैं सो जो भी हमें वाइटिश पोर्शन नजर आता है फिजियोलॉजिक स्टेट में, नॉर्मल स्टेट में, उसे हम इनेमल कहते हैं. एंड अगर मोर स्पेसिफिकली देखा जाए तो यहाँ पे जिंजाइवा या आपके गम्स से ऊपर ऊपर का जो व्हाइट पार्ट आपको दिखता है दैट इज इनेमल ऑफ द टीथ. सो लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ डेंटल इनेमल. डेंटल इनेमल की जो 9 प्रॉपर्टीज हम आज पढ़ेंगे उनमें से पहला है शेप, देन वी हैव साइज, कलर, डेंसिटी, स्ट्रेंथ, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, परमीएबिलिटी, ब्रिटलनेस एंड कंडक्टिविटी. सो ऑन अ नोट ऑफ क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, अगर मैं क्लिनिकल सिग्निफिकेंस बताऊं तो ये जो पहले की 3 प्रॉपर्टीज है दैट इज शेप, साइज एंड कलर, ये एस्थेटिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. मतलब आपके पास पेशेंट आया है तो उसको बाकी की प्रॉपर्टीज से इतना मतलब नहीं है जितना कि उसे ये मतलब है कि उसके टीथ अपीयरेंस में कैसे दिख रहे हैं, दैट इज उनकी शेप, साइज और कलर कैसा है. एंड जो रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज है डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड ऑल, वो एक्चुअली डिटरमाइन करती है कि इनेमल का फंक्शन कैसा है और इनेमल एक्चुअली परफॉर्म कैसा कर रहा है, जो कि उसका प्रोटेक्टिव फंक्शन है वो कैसा है. सो लेट्स सी टुवर्ड्स ऑल द प्रॉपर्टीज वन बाय वन. प्रॉपर्टी ऑफ एनिमल जो कि है शेप. सो बीइंग अ डेंटिस्ट एंड ए बायोलॉजी स्टूडेंट, हमें पता है कि हमारे ओरल कैविटी में 4 तरीके के जो है 4 शेप्स के टूथ मिलते हैं, दैट इज इंसाइजर, कैनाइंस, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. एंड इन चारों की जो है डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होती है एंड अकॉर्डिंग टू शेप इनका फंक्शन भी होता है. जैसे इंसाइजर का बाइटिंग, क्योंकि उसका जो सरफेस है उसका जो एज है वो बाइटिंग के लिए अप्रोप्रिएट है. कैनाइन की एज शार्प होती है तो टियरिंग के लिए. प्रीमोलर्स एंड मोलर्स आर फॉर च्यूइंग, क्योंकि मोर्टार एंड पेसल जैसा उनका स्ट्रक्चर होता है. सो इन ऑल आई वॉन्ट टू टेल इज कि जो कस्प की फाइनल शेप होती है वो इनेमल में आके डिसाइड होती है. सो जो कस्प होता है जो उसकी अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग जो बनाता है अपनी शेप वो एक्चुअली इनेमल में बनाता है. सो शेप ऑफ इनेमल डिटरमाइंस द शेप ऑफ कस्प विच इवेंचुअली डिटरमाइंस कि कैसा और क्या फंक्शन होगा टूथ का. नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज साइज ऑफ इनेमल. साइज ऑफ इनेमल बेसिकली होता है थिकनेस ऑफ इनेमल. हम साइज ऑफ इनेमल में थिकनेस ऑफ इनेमल को कंसिडर करते हैं. तो पहला पॉइंट जो साइज ऑफ इनेमल में है वो है कि थिकनेस ऑफ इनेमल डिक्रीजेस फ्रॉम टिप ऑफ कस्प टुवर्ड्स सर्वाइकल पार्ट. सो राइट, अगर हम इस पॉइंट के बारे में बात करें और हम इस डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम में है टिप ऑफ कस्प, मतलब यहाँ दिस इज टिप ऑफ कस्प, एंड सर्वाइकल पार्ट मतलब यहाँ दिस पार्ट. सो यू कैन सी कि यहाँ पे थिकनेस ज्यादा है इनेमल की, वाइट पोर्शन की, एज कंपेयर टू दिस पोर्शन. सो यस, थिकनेस ऑफ इनेमल डिक्रीजेस फ्रॉम कस्प टुवर्ड्स सर्वाइकल पार्ट. नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एक येलो स्टिक में दिखाई दे रहा है आप लोगों को, दैट इज वो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है साइज का. सो हम लोगों ने देखा है कि जो टूथ का लोअर पार्ट होता है, जो सर्विक्स गम्स के पार्ट का पास का पार्ट होता है, वो अक्सर जो है येलोइश होता है. सो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनेमल की साइज जो है वो कस्प में थिकर होती है एज कंपेयर टू सर्वाइकल पार्ट, हमने देखा ये. तो जब सर्वाइकल पार्ट के पास इनेमल थिन होता है, अ लिटिल बिट थिनर, तो उसके अंदर का जो डेंटीन होता है वो अपना कलर शो करने लगता है. एंड डेंटीन इज येलोइश इन कलर. इसीलिए हमारे टूथ के सर्विक्स का जो पार्ट है, मतलब गम्स के पास का जो पार्ट है, वो स्लाइटली येलोइश होता है क्योंकि उसकी थिकनेस कम होती है. एंड सो डेंटीन जो उसके अंदर है वो अपने आप को रिफ्लेक्ट करने लगता है. सो दिस वॉज अ क्विक टिप एंड अ क्विक वाइवा क्वेश्चन जो कि पूछा जा सकता है कि जो सर्विक्स का पार्ट है या गम्स के पास का पार्ट है टूथ का, वो येलो क्यों होता है. देन अदर थिंग इन साइज ऑफ टूथ इज कि जो लिंगुअल कस्प है मैक्सिलरी मोलर के, वो ज्यादा थिक होते हैं. जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज मैक्सिलरी मोलर एंड दीज आर मैंडिबुलर मोलर्स. तो जो मैक्सिलरी मोलर है उसमें टंग के पास का पार्ट जो है वो थिकर होगा, और दैट इज लिंगुअल पार्ट. और जो मैंडिबुलर मोलर है उसमें जो है बकल कस्प, जो चीक की तरफ का पार्ट होगा, दैट इज बकल कस्प, वो थिकर होगा. एंड इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ये है, व्हाई इज इट सो, बिकॉज इट इज अ फंक्शनल अडेप्टेशन.
जो मैक्सिलरी मोलर्स होते हैं उनमें लिंगुअल कस्प फंक्शनल होते हैं, एंड जो मैंडिबुलर मोलर्स होते हैं उनमें बकल कस्प फंक्शनल होते हैं. सो इसीलिए ये थिकर होते हैं एंड इट इज अ फंक्शनल अडेप्टेशन. देन द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इनेमल इज इट्स कलर, कि उसका कलर कैसा होता है. सो इनेमल का कलर येलोइश वाइट से ग्रेइश वाइट तक रेंज करता है. क्यों होता है ये डिफरेंस? क्योंकि इनेमल की ट्रांसपेरेंसी पे डिपेंड करता है उसका कलर. अगर इनेमल ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है तो उसके अंडरलाइंग जो डेंटीन है वो दिखेगा. एंड एज आई टोल्ड यू कि डेंटीन जो है वो येलोइश कलर का होता है, तो अगर इनेमल ट्रांसपेरेंट है तो डेंटीन अपना कलर शो करेगा, दैट इज येलो कलर. और अगर इनेमल जो है कम ट्रांसपेरेंट है, मोर थिकर है, तो डेंटीन अपना कलर शो नहीं कर पाएगा एंड द टीथ विल बी ग्रेइश वाइट. सो दिस इज हाउ कलर ऑफ इनेमल इज डिटरमाइंड. अब देयर इज अनदर वाइवा क्वेश्चन व्हिच आई कैन टेल यू हियर, जो पूछा जा सकता है, दैट इज व्हाट डिटरमाइंस द ट्रांसपेरेंसी ऑफ इनेमल. सो मिनरलाइजेशन इज द थिंग व्हिच डिटरमाइंस द ट्रांसपेरेंसी ऑफ इनेमल. अगर इनेमल ज्यादा मिनरलाइज्ड है तो वो कम ट्रांसपेरेंट होगा, और अगर कम मिनरलाइज्ड है तो वो ज्यादा ट्रांसपेरेंट होगा. और यूजुअली हमने ये देखा होगा कि हमारी जो इंसाइजल एज है वो ज़्यादा वाइटिश होती है, जैसा कि मैंने पहले बताया, एज कम्पेयर टू जो सर्वाइकल पार्ट है वो ज़्यादा येलोइश होता है. क्यों? क्योंकि इंसाइजल एज में डबल लेयर्ड इनेमल होता है, वही जो सर्वाइकल पोर्शन है उसमें इनेमल थिनर होता है, इसीलिए वो मोर येलोइश होता है. सो यू कैन रिमेंबर दिस वेरिएशन एज वेल, कि इंसाइजल एज इज ब्लूइश इन कलर बिकॉज ऑफ थिकर इनेमल एंड सर्वाइकल पार्ट is yellowish in color because of thinner enamel. ये भी वाइवा में पूछा जा सकता है. Then next property is density, मतलब enamel की density क्या होती है. So usually enamel की density होती है 2.8 kg per meter cube. ये एक अंदाजा है and it is an approximation. इसी के आसपास ही सभी की physiological state में density होती है. And density decreases from cuspal to incisal region. ये भी हमें याद कर लेना चाहिए. There is no as such reason behind it. This is physiology. Then density also decreases from surface to dentino-enamel junction. इसका मतलब हम अपने jaw में पीछे से आगे की तरफ आएंगे तो भी density decrease होगी, और teeth में अगर surface से dentino-enamel junction की तरफ जाएंगे तो भी जो है density decrease होगी. Next property है strength, मतलब how what makes enamel so strong. सो जस्ट बिफोर टेलिंग कि क्या रीजन होता है इनेमल की स्ट्रेंथ का, लेट मी टेल यू दैट इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कैल्सिफाइड टिश्यू इन द बॉडी, विच इज अ स्टार फैक्ट एंड कैन बी आस्क्ड इन एमसीक्यूज. क्यों होता है इनेमल इतना स्ट्रॉन्ग? क्योंकि इनेमल में जो इनऑर्गेनिक कॉम्पोनेंट है वो 96% होता है. हमारी बॉडी में जितने भी टिश्यूज हैं उनमें दो तरीके के कॉम्पोनेंट्स होते हैं, इनऑर्गेनिक कॉम्पोनेंट्स एंड ऑर्गेनिक कॉम्पोनेंट. तो इनेमल में जो है इनऑर्गेनिक कंपोनेंट इज 96%, जो कि बोन से भी ज्यादा होता है. हमारी बॉडी में जो बोन्स होती है उसमें भी कम होता है इनऑर्गेनिक कंपोनेंट एज कम्पेयर टू इनेमल. एंड दिस इनऑर्गेनिक कंपोनेंट मेक्स इनेमल वेरी स्ट्रांग, और इसी स्ट्रेंथ के कारण इनेमल जो है एज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू एक्ट करता है अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स के लिए. इनेमल के अंदर होता है डेंटीन, उसके अंदर होता है पल्प, तो ये सॉफ्ट स्ट्रक्चर्स हैं, इनको प्रोटेक्ट करने का काम इनेमल का होता है. एंड प्रोटेक्ट किससे करता है? ये सभी मास्टिकेटरी फोर्सेस से. जो हम खाना च्यू करते हैं उससे जो फोर्स लगती है हमारे टूथ पे, दैट आर नोन एज मास्टिकेटरी फोर्सेस. सो इनेमल प्रोटेक्ट्स आवर टीथ अगेंस्ट ऑल द मास्टिकेटरी फोर्सेस ड्यूरिंग च्यूइंग ऑफ फूड. देन द नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इनेमल, मतलब क्या क्या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती हैं इनेमल की. तो इनेमल की दो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हम कंसिडर करते हैं वाइल रिलेटिंग टू इट्स फंक्शन, दैट इज प्रोटेक्शन. इनेमल का फंक्शन प्रोटेक्शन होता है, और प्रोटेक्शन हम ऑफकोर्स ही बात है रिलेट करते हैं हार्डनेस से और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी से. अब हमें पता है कि जितना हार्ड होगा सब्सटेंस उतना ज़्यादा प्रोटेक्टिव होगा, और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी मतलब कि वो कितना जो है उसको डिस्टॉर्ट करने की कोशिश करेंगे पर वो डिस्टॉर्ट नहीं होगा. तो ऑफ कोर्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड हार्डनेस आर द मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इनेमल, एंड ये दोनों ही जो है सरफेस से डीईजे तक जाते जाते कम होते हैं. एंड ये इसलिए क्योंकि हमें पता है हम खाना च्यू करेंगे तो जितनी भी मास्टिकेटरी फोर्सेस है चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में हो वो सरफेस पे ज्यादा लगेंगी एज कम्पेयर टू डेंटिनो इनेमल जंक्शन. इसीलिए एंड यहाँ पे डेंटिनो इनेमल जंक्शन इज शोन हियर व्हिच आई एम मार्किंग विद अ ब्लू लाइन. सो ऑफकोर्स ही बात है कि सरफेस पे हार्डनेस और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की ज्यादा जरूरत होती है क्योंकि मास्टिकेटरी फोर्सेस वहां ज्यादा होती हैं. सो इट डिक्रीजेस फ्रॉम सरफेस टुवर्ड्स डेंटिनो इनेमल जंक्शन.
नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इनेमल इज इट्स परमिएबिलिटी। तो इनेमल एक्ट्स एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्यों होता है ऐसा? बिकॉज यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे माइक्रोस्ट्रक्चर ऑफ इनेमल। तो इनेमल का माइक्रोस्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इट कंटेन्स वेरी माइन्यूट पोर्स एंड दीज माइन्यूट पोर्स मेक्स इनेमल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा कि कई एरियाज में फ्लोराइड रिच वाटर आता है, एक्सेसिवली फ्लोरिनेटेड आता है, तो उन लोगों के टीथ जो है येलो हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि फ्लोराइड इस इनेमल को इन माइक्रोपोर्स के थ्रू क्रॉस करके डेंटिन को स्टेन कर देता है, जिसके कारण लोगों के टूथ येलो हो जाते हैं। सो दिस सजेस्ट कि इनेमल जो है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करता है एंड इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोपोर्स इन द इनेमल। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच विल बी सीइंग इज कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी के लिए सिर्फ इतना बता सकती हूँ मैं कि इनेमल एक्ट्स एज एन इंसुलेटर एट रूम टेम्परेचर। एंड इसकी भी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है क्योंकि इनेमल एक्ट्स एज ए इंसुलेटर एट रूम टेम्परेचर, इसीलिए हम नॉर्मल फिजियोलॉजिक स्टेट में जो है सेंसिटिविटी फील नहीं करते। इनेमल इंसुलेटर है रूम टेम्परेचर पे, इसीलिए वो हीट कंडक्ट नहीं कर पाता है और ना ही जो कोल्डनेस है वो कंडक्ट कर पाता है फूड से। एंड यही कारण है कि हमें ठंडा गर्म का एहसास नहीं होता है, झंझनाहट नहीं होती है दांतों में। लेकिन वही जब ये इनेमल वियर आउट हो जाता है या इनेमल को डैमेज पहुंच जाता है तो हम सेंसिटिविटी फील कर पाते हैं। यू माइट हैव हर्ड फ्यू पीपल कंप्लेनिंग कि हमें सेंसिटिविटी है, वी कैन नॉट ईट कूल फूड या फिर हॉट फूड दैट रैंडमली। सो इट इज बिकॉज क्योंकि उनका इनेमल जो है वियर आउट हो चुका है। सो दिस वॉज ऑल्सो अ वाइवा क्वेश्चन और एन MCQ जो पूछा जा सकता है कि वॉट इज द रीजन बिहाइंड द फैक्ट दैट वी डू नॉट फील सेंसिटिविटी। दिस इज बिकॉज इनेमल इज अ इंसुलेटर एट रूम टेम्परेचर। द लास्ट प्रॉपर्टी इज इफेक्ट ऑफ लाइट। तो जैसे जैसे हम इनेमल पे जो लाइट थ्रो कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे इनेमल की ट्रांसलूसेंसी इंक्रीज होती जाएगी। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं दिस इज द इनेमल जो कि नॉर्मल रूम लाइट में या सनलाइट में ऑब्जर्व किया गया है। दिस इज द इनेमल एंड ब्लू लाइट एंड द लास्ट वन इज द इनेमल एंड रेड लाइट। तो हमें पता है कि कैसे क्या ऑर्डर रहता है वेवलेंथ का, इट इज VIBGYOR। एंड विबग्योर में जो वेवलेंथ है इट इंक्रीजेस फ्रॉम वायलेट टू रेड। सो इसीलिए हम देख सकते हैं कि ब्लू जो कि कम वेवलेंथ का है उसमें जो इनेमल है वो मोर ओपेक लग रहा है, और रेड जो कि मोर वेवलेंथ का है उसमें इनेमल जो है मोर ट्रांसल्यूसेंट लग रहा है, जो लाइट है वो ज़्यादा ट्रांसमिट कर रहा है। एंड इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ये है कि जो प्रोस्थोडोंटिक ट्रीटमेंट होते हैं उसमें कई बार पेशेंट को जो है टूथ कलर मैच कराना होता है। तो हम पेशेंट को जो है डे लाइट में आने को बोलते हैं या फिर एक बहुत ही ब्राइट जगह पे हम जो है टूथ का कलर ऑब्जर्व करते हैं ताकि हम जो फ्यूचर उसे जो प्रोस्थेटिक टूथ दे रहे हैं वो उसी कलर का हो। तो दिस इज द रीजन कि हम किसी और लाइट में नहीं ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि कलर चेंजेस इन डिफरेंट लाइट्स एंड वी यूज नेचुरल लाइट और सनलाइट फॉर दिस। Thank you for watching. Do like, share and subscribe. And इस chapter के ready to read notes available हैं हमारे Instagram page पे, जिसका link given है description box में।